हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए एकदम स्ट्रीट स्टाइल में आलू टिक्की चाट। देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा ना। बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे कि जैसे हमें मार्केट में मिलती है एकदम। इसको रगड़ा चाट भी कहते हैं। मटर के साथ बनाने वाली हूँ आज मैं इसको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लेंगे हम पीली मटर, आती है मार्केट में ड्राई। इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है पानी में। अब हम इसे बॉईल करेंगे। अच्छे से भिगो लेते हैं ना जब पानी में, तो अच्छे से बॉईल हो जाती है, क्योंकि इसको बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगता है। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी, और पानी डालने के बाद हम इसे नमक के साथ बॉईल करेंगे। एक चम्मच मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट, और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। अच्छा सा कलर आ जाएगा इसका, बढ़िया सा। और इसको ढक्कन बंद करने के लिए हम 5-6 सीटी तक इसको पकाएंगे। अच्छे से पकने के लिए हम चेक कर लेंगे बीच बीच में। और यहाँ पे मैंने ये बॉयल्ड पोटैटो लिए हैं, जो पहले से मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। अब इनको मैं मैश कर लेती हूँ। जब तक मैं पोटैटोज अपने मैश कर रही हूँ दोस्तों, तो तब तक अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए रेड बटन पर क्लिक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अब सारे पोटैटो जो मैंने कद्दूकस किए थे, इसमें हम डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से क्या है, हमारी टिक्की में बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। अब 1 चम्मच डाल दिया मैंने इसमें नमक। इसमें थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और हल्का सा डालेंगे अदरक और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जो हम पे पहले से रखी थी। थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे। अब थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। अब इन चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे, और एक अच्छा सा डो बना लेंगे, बहुत बढ़िया सा, जिसके हम राउंड राउंड टिक्की बॉल्स बनाएंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से बना लेते हैं एक डो के फॉर्म में। सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से बाइंड हो गया है ये। इसमें हमने डाला है कॉर्नफ्लोर, तो उसकी वजह से हमारी ये टिक्कियाँ तवे पर फैलती नहीं है, बहुत अच्छे से सिक जाती हैं। अब इनकी हम एक टिक्की के साइज़ की बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। थोड़ा उसको चपटा कर देंगे तो वो टिक्की की शेप में आ जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे इसकी बॉल्स, और यूं करके हाथ से हथेली से दबा के हम इसे चपटा कर देंगे, टिक्की की शेप दे देंगे। इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ मैं रेडी कर लेती हूँ अपनी एक साइड, और इनको प्लेट पर रख लेते हैं सारी टिक्कियाँ बनाकर। मैंने सारी टिक्कियाँ यहाँ रेडी कर ली हैं दोस्तों। जब तक ये सारी टिक्कियाँ मेरी रेडी हो गई हैं, अब इन्हें हम तवे पर करेंगे फ्राई। फ्राई करने का वक्त आ गया है, तो हम एक तवा लेंगे, इस पर हम डालेंगे देसी घी। देसी घी में टिक्कियों का एक अपना ही अलग स्वाद हो रहा है। और इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस सैलो फ्राई करेंगे इस तरीके से तवे को। देसी घी से हम चिकना कर लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। देसी घी के साथ ही टिक्की खाएं, बहुत ही अलग टेस्ट होता है इसका। आपने देखा होगा ना स्ट्रीट फूड में कभी कभार किसी किसी ठेले वाले के यहाँ लिखा होता है हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की टिक्की मिलती है, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इस तरीके से हम देसी घी में बना रहे हैं। सारी टिक्कियों को हम इस तरीके से रख देंगे, और दोनों साइड से एकदम गोल्डन क्रिस्प होने तक हमें इन्हें सेकना है। मीडियम फ्लेम रखेंगे, फ्लेम एकदम हाई नहीं करें, एकदम हाई कर देंगे टिक्की सिकेगी नहीं अच्छे से। ये देखिए मैं पलट पलट के आपकी दिखा रही हूँ, कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्प कलर आ रहा है। दोनों साइड से इसी तरीके से हमें सारी टिक्कियाँ सेक कर तैयार करनी है। जब हमारी टिक्की सिक जाती है, फिर इसी तवे पर हम बनाएंगे मटर का छोले। तब तक मटर देख लेते हैं हम। 5-6 सीटी आ गई हैं, खोल के देखते हैं काफ़ी अच्छे से पकी है या नहीं। ये देखिए हमारी मटर काफ़ी अच्छे से मैश हो गई है, काफ़ी अच्छे से पक गई है एकदम। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया है हमारी। पानी इसका ड्रेन आउट कर देते हैं मटर का। अब हम अपनी मटर को भी तैयार करेंगे इसी तवे पे। जिस तरीके से तवे पे बनाते हैं ना मटर का मटर के छोले, उसी तरीके से टिक्की के लिए हम तवे पर ही बनाएंगे। सारी टिक्कियाँ सिक गई हैं, दोनों साइड से पलट के देख ली हैं। अब इसमें से 2-4 टिक्की हटा देते हैं, क्योंकि मेरा तवा छोटा है और वहाँ पर मार्केट में बड़ा होता है। अब इसी तवे पर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे हल्का सा प्याज, घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे छोटे से प्याज जो मैंने बारीक करके रखा था, उसमें से 1-2 चम्मच ही डालेंगे। और फिर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम से ये ब्राउन हो जाए या गोल्डन कलर आ जाए, बस हल्का सा भूनना है कि सॉफ्ट हो जाए हमारी मटर। ये प्याज और टमाटर दोनों को हमें बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इस तरीके से वो उसी तवे पर अपने मटर के छोले तैयार करते हैं टिक्की के साथ, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी पीली मटर जो हमने अभी बॉईल करके रेडी की हुई थी। इसे प्याज टमाटर के साथ हमें भूनना होगा। अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। नमक और लाल मिर्च हमने बॉईल करते टाइम डाला हुआ था, लेकिन वो थोड़ा कम था। अब यहाँ पर अपनी स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग जो भी आप जैसा भी प्रेफर करते हैं डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला,
और थोड़ा सा डालेंगे इसमें ये इमली का पानी। इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इमली का पानी जब मटर में डालते हैं हम तो इन छोलों का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, तो ज़रूर से डालें इमली का पानी और इस तरीके से इस मटर को भून लें। थोड़ा सा डाल दें हरा धनिया, इसमें बन जाएगा बहुत बढ़िया सा छोले। फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखें, एकदम हाई ना रखें। टिक्की भी हमारी तवे पर गर्मा गर्म रखी हुई है, रेडी है और छोले बनकर तैयार हैं। बस अब बारी है इनको सर्व करने की। देख रहे हैं ना, अब एकदम मार्केट जैसे छोले बनकर तैयार हो गए हैं मटर के। बस इसकी अब हम बनाएंगे आलू टिक्की रगड़ा चाट वाली। आपने सुना होगा ना मार्केट में रगड़ा चाट मिलती है, उसी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। ये रखने हमने अपनी आलू की टिक्कियाँ, इनके ऊपर डालेंगे हम अपने छोले की चाट, ये हमने जो अभी बनाई थी इमली के पानी के साथ। अच्छे से छोले इनके ऊपर डाल देंगे हम, डालेंगे एक चम्मच दही गाढ़ा बढ़िया सा, हरे धनिया की चटनी इसके ऊपर से डाल देंगे जो मैंने पहले से बना के रखी थी, इसकी वीडियो भी मैंने पहले से डाली हुई है आप देख सकते हैं। और ये डाल देंगे थोड़ी सी मीठी चटनी, अब थोड़ा सा जाएगा इसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, और ये डाल देंगे हम नमकीन भुजिया बहुत बढ़िया सी। हल्का सा डालेंगे इसमें हम मसाला, स्प्रिंकल करेंगे बहुत हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और नमक। बढ़िया सी माउथ वाटरिंग सी रेसिपी बनकर तैयार है, हल्की सी गार्निश कर देंगे हरे धनिए के साथ। ये देखिए रगड़ा चाट बनकर हमारी तैयार है आलू टिक्की। आज ही बनाइए शाम को और इन्जॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप बाहर की टिक्की खाना गारंटी है कि बिल्कुल भूल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा।